बांधे पेड़ के सारे खड़ा करके गुस्से से बांधा, भागे भागे घर की ओर जाने लगा। मां ने दूर से समय में आते देखा, अरे रात्रि को 12 बजे आने वाला दिन में 12 बजे आ रहा है, जरूर कोई बात में फर्क है। बेटा क्या बात है, सांस तुम्हारी फूल रही है, अड़बड़ाहट में तुम लग रहे हो, ऐसे समय में तुम क्यों आए? का मेरी आंख खुल गई, मेरी आंखें खुल गई, इतने दिन में अंधकार में था, धोखे में था, मैं जानने के लिए आया हूं। क्या जानने के लिए आए बेटा? मैं ये जानने के लिए आया हूं तुम लोगों को पता, मैं हमेशा पैसा लेकर ला ला के देता हूं, वो कैसे लाता हूं? बेटा हमें क्यों सोचे उसके बारे में? तू छोटा था, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, गीले में मैं लेके सूखे में तुझे सुलाया, मां होने का फर्ज में नहीं अदा किया, अब बेटा होने का फर्ज तुम अदा करो। अरे बात वो नहीं है, मैं निर्दोष लोगों को लूटता हूँ, खुसोड़ता हूँ, उसके बाद निर्मम हत्या करता हूँ, तन की बोटी बोटी करके नरकंकाल पे फेंक देता हूँ, कुत्ते काटले गिर नोच नोच के मांस खाते, कितना पाप करके मैं पैसा कराता हूँ जानते हो? तो उस पाप के भागीदार बनोगे या नहीं बनोगे ये बताओ? धन के हिस्सेदार बनने के लिए सब तैयार हो। का बेटा जो करेगा करने आपको, आपके कुल बेटा कुल बाप, पत्नी से पत्नी ने वही कहा, मान से कमान है उसने वही कहा, बाप ने कहा बाप ने वही कहा, रत्नाकर का सिर ठनकारी वो संत ठीक कह रहे थे। दौड़े दौड़े वापिस आया, रस्सा खोला, हाथ खोले, महाराज इस पाप के करने से क्या होता है? संतों ने नरकों का वर्णन शुरू किया, इस पाप के करने से ये नरक मिलता है, इस पाप के करने से ये नरक मिलता है, और उस नरक में जब जीव को डाला जाता है, उबलते तेल की कड़ाई में पूरी जैसे कूदती तलते समय इस तरह से वो तड़पता है, प्राण नहीं छूटते, लकड़ार पे लकड़ी को जैसे चीरा जाता है इस तरह से शरीर को जीव को चीरा जाता है, दो फाट होता है, कृति आगे बढ़ते पुनः जुड़ जाता है, तड़पता है, चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है, प्राणांत नहीं होता। नरक के यात्रा का वर्ण सुनते 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 चिल्ला पड़ा, आए ने मरा 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 मरा, तो बचने का उपाय तो बताइए? उन्होंने कहा एक ही उपाय है, और वह परमात्मा का नाम, सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण कर दो। वह बोप नाम क्या मुझे आता नहीं, संतन का बोल राम, डर के मर क्या मरा, अरे बोल राम का मरा 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 मरा, बोल दो तो क्या हो जाएगा? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, मालनी की भय ब्रह्म समाना, मालनी की भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर से का दस्यु संग संतों की संगति मिली, वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। सजनों मेरे कहने का भाव, कहा एक गलत संगति की वजह से डकैत बन गया, और वही उत्तम संगति मिली, संतों का सानिध्य मिला, संतों का संग मिला, वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। राम जी के आगमन से पहले सब कुछ लिख डाला, ऐसे ऐसे अयोध्या के राज में पुत्र लिख्य होगा, सब जगदनियंता जगी पुत्र रूप में अयोध्या के राजमहल में अवतरित होंगे, इस तरह से शिक्षा दीक्षा होगी, इस तरह से स्वंभ रचा जाएगा, सिर धनुष तोड़ा जाएगा, जानकी गदा राम जी का वरण किया जाएगा, इस तरह से रात्रि की तैयारी होगी, केकई की मंत्र की कुबुद्धि की संगति से केकई की मति मलिन होगी, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा जाएगा, राम जानकी सहित राम जी लक्ष्मण जंगल की तरफ जाएंगे, मार्च मृग बन के आएगा, रावण संत के वेश में आएगा, जानकी का हरण करेगा, जटायु उधर जटायु रक्षा करना होता है, जटायु मरण होगा, राम सुग्रीव की मैत्री होगी, बलि का वध होगा, समुद्र में सेतु बनाया जाएगा, राम रावण का युद्ध होगा, इस तरह से रावण का अंत होगा, राम जी का अपने राज तिलक होगा, ये सब कुछ पहले ये किसका चमत्कार था? उत्तम संगति का, उत्तम
कम संगति करोगे जीवन में उत्तम रंग आएगा। जामो जी भगवान अपने वेद की वाणी में कह रहे हैं, ओम संग सुसंगो उत्तम रंग सुरंगो। उत्तम संगति करोगे तो जीवन में उत्तम रंग आएगा। रंग आने सफेद है, लाल है, पीला है, होना है, गुलाबी है, काला है, ये रंग है ना। इन रंगों को उत्तम रंग नहीं कहते, ये रंग ये उत्तम रंग नहीं। भगवान जब मुझे से संग की चर्चा कर रहे हैं वो दो रंगों की बात कर रहे हैं। रंग कितने हैं जामू जी की निगाह में? दो दो। कौन सा रंग है वो दो रंग कौन सा है? अपन उस रंगों की ओर बढ़े उससे पहले छोटा सा कीर्तन। सेव दल के भाई हंसावैन की बहने जल मिला दे सब मिल करके बोल दिल की आंखें उगाड़ अब तू जाग रे जिया। दिल की आंखें उगाड़ अब तू जाग रे जिया। दिल की अब तू जाग रे जिया। दिल की आंखें अब तू जाग रे जिया। दिल की दिल की आंखें उगाड़ जाग रे जिया। जाग रे जिया। जाग रे जिया। दिल की आंखें उगाड़ अब तू Thank you.
मैं निवेदन कर रहा था, जानो जी भगवान ने अपनी वेदमयी वाणी में कहा, जीवन में उत्तम संगति करोगे तो आपके जीवन में उत्तम रंग आएगा। उत्तम रंग सुरंगो, उत्तम रंग का मतलब है एक बार रंग चढ़ने के बाद वो रंग कभी फीका पड़े ही नहीं, उत्तरोत्तर और गहरा बन जाए। गुरु महाराज ने दो रंगों का नाम लिया है, दुनिया के रंग सब कोई राचे, दीन रचे सो जानो। एक है दुनिया का रंग और दूसरा है दीन का रंग। दुनिया के रंग सब कोई रचे, दुनिया के रंग में चराचर जगत का मान है। अब रंग देखो, मेरे ख्याल में 50 साल की आयु जिनकी हो गई है, उनसे बड़े जितने भी, उनको पता होगा कि एक टाइम ऐसा